कांग्रेस को यूपी में माया का सहारा। कांग्रेस बीएसपी को एमपी में देगी सीट। बीएसपी यूपी में अपने कोटे से देगी सीट। राजनीतिक मजबूरी जो ना कराए। 143 साल पुरानी ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस इस बात को समझती है कि उसकी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो अकेले ताकतवर मोदी का मुकाबला कर सके। सो उसे अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए महागठबंधन रूपी बैसाखी की जरूरत है। पर दिक्कत ये है कि यूपी में कांग्रेस में इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो इन बैसाखियों के सहारे चल सके। उसकी हालत स्ट्रेचर पर लेटे उस मरणासन्न मरीज की तरह है जिसे अस्पताल पहुंचकर जान बचाने के लिए भी दूसरे का आसरा लेना पड़ रहा है। सो 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में प्रस्तावित महागठबंधन में सीटों के जुगाड़ में जुटी कांग्रेस ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। कांग्रेस आने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक वाली गलती दोहराने से बचना चाहती है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन करने के लिए राजी है। इसके लिए दोनों ही दलों के आला नेताओं के बीच बात भी हो चुकी है और संगठन को इस पर काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की उन सीटों की शिनाख्त भी करनी शुरू कर दी है जहां बीएसपी का दबदबा है। दरअसल एसपी बीएसपी 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया है उसमें कांग्रेस को बमुश्किल 3 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो पैमाना है वो 2014 लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। इसके मुताबिक समाजवादी पार्टी जहां से जीती है और जहां वो दूसरे नंबर पर रही है वो सीटें उसे ही मिलेंगी, जबकि बीएसपी जहां दूसरे नंबर पर थी वहां उसकी दावेदारी होगी। इस फॉर्मूले के तहत 70 सीटें दोनों के पास चली जाएंगी। गठबंधन के बाकी साथी कांग्रेस, आरएलडी, निषाद पार्टी और पीस पार्टी में बाकी बची सीटों का बंटवारा होगा। इस लिहाज से कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस भी इसे समझती है और यही वजह है कि कांग्रेस यूपी में अपनी पैठ बनाने के लिए जुगाड़ का सहारा ले रही है। यूपी में एसपी बीएसपी के एकजुट वोट बैंक के सहारे वो यूपी में कुछ ज्यादा सीटें सुरक्षित करना चाहती हैं। इसके एवज में कांग्रेस बीएसपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले चुनाव में अच्छी खासी सीट देगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दलित बहुल और बुंदेलखंड और ग्वालियर के इलाकों में बीएसपी को 30 के करीब सीटें दे सकती हैं और ऐसा ही कुछ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी होगा जहां विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। इसके बदले यूपी में बीएसपी कांग्रेस के लिए अपने कोटे की सीट छोड़ेगी क्योंकि गठबंधन का एक अहम हिस्सा समाजवादी पार्टी भी है, उसे भी कुछ सीटें चाहिए और कांग्रेस इसके लिए भी तैयार है। राहुल गांधी और बसपा के कुछ लीडरशिप के बीच में ये बातचीत हुई है और समझा ये जाता है कि इस मामले में जो अभी कर्नाटक में जो मंत्रिमंडल गठित हुआ है और उसमें बसपा का भी एक मंत्री लिया गया है जो नई सरकार बनी है, तो उसमें उस दौरान ये चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में बसपा ने, मायावती जी ने ये पहल की है कि इन 3 राज्यों में हमको सीट दी जाए, क्योंकि बसपा में इसमें कोई दो राय नहीं कि बसपा का मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत जनाधार है, राजस्थान में भी उनके समुदाय के कुछ लोगों का महत्व है, तो इसलिए ये समीकरण बने हैं। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में अकेले दम पर लड़कर कांग्रेस अपनी जमानत जब्त करवा चुकी है। उसे इस बात का बखूबी एहसास है कि 2019 में महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा तो अमेठी, रायबरेली सीट को छोड़कर किसी भी सीट पर जीत की उम्मीद नहीं है, लिहाजा यूपी में अपना पैर जमाने के लिए उसे सपा बसपा का सहारा लेना ही होगा ताकि 2019 में अपने लिए कुछ सीटें सुरक्षित कर ली जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।